और ज्यादा किसी को अपने चित्त पर रहने नहीं देना उन्होंने क्या किया उन्होंने ऐसा किया या वो ऐसा है मिले बात की नेक्स्ट मिले व्यवहार किया तो पॉइंट चलता है कि फलाना बंद है तो हम उलझ गए ना उनके साथ करता है हम उलझ गए ना फिर उनके साथ तो हम उलझ गए जैसे हम उलझ गए उनकी एनर्जी फील्ड के साथ तो हमारी प्योरिटी क्या हो जाएगी डिप्लीशन जब हम एक तरफ से चार्जिंग पर अटेंशन रखते हैं तो दूसरी तरफ से हमें यह भी अटेंशन रखना पड़ता है कि डिप्लीशन नहीं होने चाहिए नहीं तो हम कहेंगे मैं इतने साल से मेडिटेशन कर रही हूँ हम इतने साल से सत्संग में जा रहे हैं हम इतने साल से कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया आया नहीं क्योंकि वहाँ से चार्जिंग हो रही है सारा दिन में लीकेज हो रही है एक बाल्टी को नल के नीचे रखा भर जाएगी बाल्टी भरी जाएगी एक घंटे में भरेगी नहीं तो दस दिन में भर जाएगी धीरे धीरे भी भर रहा लेकिन नीचे छेद होगा तो कभी नहीं भरेगी हम कहें हम बीस साल से कर रहे हैं हम पचास साल से जा रहे हैं सेंटर पर चेंज क्या आया बस एक छेद था नीचे उसको बंद नहीं किया अब ऊपर से कितने भी घंटे कर रहे हैं सत्संग भी कर रहे हैं रिट्रीट भी कर रहे हैं मेडिटेशन भी कर रहे हैं पर्सनालिटी वो, वो मेडिटेशन में हम एक अलग पर्सनालिटी होते हैं हम किसी रिट्रीट पे जाते हैं पाँच दस दिन के लिए हमें एक अलग पर्सनालिटी होते हैं जैसे ही हम बाहर आते हैं हमें अलग पर्सनालिटी हो जाते हैं तो इसीलिए वो पर्सनालिटी को बाहर आने के बाद भी प्योरिटी की पर्सनालिटी रखना है और आसपास जो इम्प्योर वाइब्रेशंस हैं उनसे भी अपने आप को बचाना है कि हमें बहुत ज़्यादा इम्प्योर वाइब्रेशंस को कंज्यूम नहीं करना प्रोटेक्ट आवर सेल्फ विदड्रॉ कि इस आत्मा के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगी वो भी नहीं सोचेगी फिर मेरे बारे में इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर की हम लोग जब छोटे थे हमको सिखाते थे, थे ना रोड क्रॉस करना है तो पहले राइट देखो फिर लेफ्ट देखो फिर दोनों तरफ देखो फिर चलो इतना प्रोटेक्शन करो बट ये वाला प्रोटेक्शन किसी ने सिखाया नहीं कभी स्कूल में फोकस अपने ऊपर और अपनी वाइब्रेशन ये किसी ने नहीं सीखा है, ये क्लास जो आपकी क्लास है हाँ। तो मतलब कमाल की क्लास हाँ। है स्कूल में तो परमात्मा के महावाक्यों की एक एक लाइन हाँ। बहुत पावरफुल होती है तो परमात्मा ने कहा ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है पवित्रता की रियालिटी पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है कि ओरिजिनल रियलिटी भी दिखाई देगी रॉयल्टी भी दिखाई देगी ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है ये श्रृंगार है है ना ब्यूटीफुल। ये जीवन का श्रृंगार है रियलिटी क्या है मेरा अनादि आदि स्वरूप पवित्रता है ये स्मृति समर्थ बना देती है रियलिटी क्या है मेरा अनादि आदि स्वरूप मतलब आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप स्वरूप और आदि स्वरूप मतलब जब हम सबसे पहले भी आते हैं शरीर लेते हैं आत्मा प्योर होती है तो धीरे 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 इम होती है तो मेरा अनादि ओरिजिनल आदि बिगनिंग का स्वरूप पवित्र है ये स्मृति भी रहे तो समर्थ बन जाएंगे बस ये याद रखना है तो पावरफुल फील करेंगे कि मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप पवित्रता है रॉयल्टी क्या है स्वयं भी स्वमान में सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे मांगेंगे नहीं रिस्पेक्ट पर्सनालिटी क्या होगी सदा संतुष्टता और प्रसन्नता तीनों चीजों की कनेक्शन हो गई रियलिटी क्या होगी मैं आत्मा ओरिजिनली प्योर हूँ तो उसका रिजल्ट रॉयल्टी क्या आएगी कि सदा सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे और औरों को रिस्पेक्ट देते चलेंगे स्वमान में रहेंगे और सम्मान देते चलेंगे उसका रिजल्ट पर्सनालिटी क्या बन जाएगी सदा संतुष्ट कंटेंटेड सेटिस्फाइड और प्रसन्नता कनेक्टेड हो गया स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले हैं जो खुद संतुष्ट रहेंगे वो औरों को भी संतुष्ट करते जाएंगे पवित्रता से प्राप्तियाँ बहुत हैं तो बाबा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वो जानते हो ना कितने खजानों से भरपूर किया है अगर प्राप्तियों की स्मृति में रहो तो भरपूर हो जाएंगे सबसे पहला खजाना जो दिया है वो है ज्ञान का खजाना जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं व्यर्थ संकल्प नेगेटिव संकल्प विकल्प विकर्म से मुक्त हो जाते हैं पहली लाइन के लिए दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं बाबा ने कहा कि परमात्मा ने आपको कितने खजाने दिए? पहले जब कह रहे थे ना हम मुझे शांति दे आशीर्वाद मांगते हैं ये करते हैं तो, तो इसका आगे आंसर तो परमात्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें कितने खजाने दिए सबसे पहला खजाना दिया ज्ञान का खजाना ज्ञान से आप दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं hmm. व्यर्थ संकल्प वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव संकल्प नेगेटिव थॉट्स, विकल्प गलत गलत सोचना विकर्म गलत कर्म करना से मुक्त हो जाते हैं अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं कोई गलत थॉट आएगी भी गलत कर्म करने का सोचेंगे भी तो ज्ञान के बल से गलत थॉट्स के भी अल्टरनेटिव्स आते हैं ज्ञान के बल से ना ज्ञान मिलने से वो नेगेटिव थॉट का क्या करेंगे उसको चेंज कर देंगे तो अगर कोई व्यर्थ संकल्प विकल्प आता है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं ये जो थॉट्स हैं नेगेटिव जो आती हैं ये दब जाती हैं या एक ना एक दिन ऑटोमेटिक इसी तरह आनी ही बंद हो जाएंगी नेगेटिव थॉट्स क्यों आती हैं नेगेटिव थॉट्स हमारे संस्कारों से आती है एक थॉट mm -hmm. का सोर्स क्या है सी थॉट डिसीजन, एक्शन एक्शन से बना संस्कार राइट right? mm -hmm. तो आत्मा क्या है तीन चीज़ें मन बुद्धि संस्कार तो मन ने एक थॉट क्रिएट किया बुद्धि ने डिसाइड किया हम कर्म में लाए संस्कार बन गया अब जैसा संस्कार बन गया वैसा थॉट आएगा क्योंकि मन तो बुद्धि संस्कार मन बुद्धि संस्कार साइकिल आ गया ना मन बुद्धि संस्कार साइकिल है तो जैसा मन तो वैसा संस्कार, संस्कार, जैसा संस्कार वैसा संस्कार आने लगेंगे ना अगर हमारा गुस्से का संस्कार बन गया तो अब थॉट्स कैसे क्रिएट होंगे अगर हमारा क्रिटिसिज्म का संस्कार किसको करना है को सब पे इकट्ठे वर्क करना पड़ता है इसीलिए क्योंकि वो कनेक्टेड है प्योरिटी पे कर लो तो अपने आप अप हो जाएगा तो अब ये संस्कार कौन से हैं एक है संस्कार जो हमारे इस जन्म में क्रिएट हुए hmm. लेकिन कुछ है संस्कार जो हम लेकर आए भी हैं तो इसलिए संस्कार बहुत स्ट्रोंग हमारा डेटा बेस है, है बैंक पे, पेरेंट्स से भी, भी दोस्ती हाँ। अब ये संस्कार उस बेसिस पे भी बने जो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट थे तो पास्ट कर्मा सपोज कोई आत्मा आपके सामने आती है किसी रिश्ते के रूप में आती है जिसके साथ आपका पास्ट पावरफुल नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है तो वो तो ऑलरेडी अब कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो चुका है ना अभी नहीं किया हमने कुछ भी गलत अभी हमने कुछ नहीं किया लेकिन वो आत्मा अब आ गई हमारे जीवन में एक बिजनेस के रूप में आई एक रिश्ते के रूप में आई हमारा उसके साथ एक पास्ट पावरफुल नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है तो जब वो आत्मा अब हमारे संपर्क में आएगी तो नेगेटिव थॉट्स आना बड़ा नेचुरली आने लगेंगे आनी शुरू हो जाएंगे ऐसे क्योंकि जैसे ही वो आत्मा सामने आई तो वो कार्मिक अकाउंट जैसे टिकर होता है ना टिक 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 काउंटर शुरू हो गया तो काउंटर शुरू हो गया हमारी नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाएंगी अब हम कहेंगे अभी तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने भी ऐसा कुछ किया नहीं है हम इतना क्यों नेगेटिव उनके बारे में सोच रहे हैं कैरी फॉरवर्ड तो उस समय पर अब प्रेजेंट में ज्ञान को यूज़ करके अपने ऊपर थोड़ी सी एफर्ट थोड़ी सी मेहनत करके अपने थॉट को चेंज करना पड़ता है तो इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञान के बल से विजयी बन जाएंगे पर उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए अवेयरनेस चाहिए कि मेरी थिंकिंग नेगेटिव है, है। अवेयरनेस कि ये थॉट ठीक नहीं है फिर हम उसपे वर्क करेंगे जब तक हम उसको जस्टिफाई करेंगे तो वो थॉट चेंज नहीं होगा तो तो सोचना. सोचना बोल पड़े अभी हमने मेहनत करनी हमने सोच पड़े आपका अपमान करके या कोई डांट ढूंढ के चला जाता है तो आपको वो पीछे से थॉट्स आती है हाँ थॉट्स आती है ना तो हमने अभी मुरली का टाइटल क्या सुना था कि उनको क्षमा उन पर रहम आती है जो उन्होंने कहा किया वो भी सही नहीं था हमें हर्ट भी हो रहा है फाइन अभी ये हो रहा है बट अभी ज्ञान यूज करके मुझे क्या करना है क्षमा चेंज तो करना ना उसको क्योंकि नहीं अगर चेंज और किया उसको शिक्षा देना भी है शिक्षा भी देनी बट उसको अपने को तो पहले शिक्षा दे दे अपने को तो शिक्षा दे क्षमा करके अच्छी बात करना वही कितनी बड़ी शिक्षा वही सबसे बड़ी शिक्षा है क्योंकि आपने अगर मैं आपको क्षमा कर दूं और वापस प्यार से बात करने लगो हुँ. तो आपको शिक्षा मिल जाएगी यार मैंने इतना किया उसके साथ यस yes. तो तो दिस इज शिक्षा डायरेक्टली मिल रही है तो तो इसीलिए किसी ने कुछ किया आपको हर्ट भी हमें हुआ लेकिन फिर उसको हर्ट में ही नहीं चलते जाएंगे ना नहीं तो फिर वही मन बुद्धि संस्कार मन बुद्धि संस्कार वो संस्कार ऑफ हर्ट और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो चेंज कहाँ करेंगे उस साइकिल को फिर थर्ड कब होगा टूटे गए नहीं टूटेगा नहीं।, नहीं।, नहीं और फिर वो प्योरिटी क्या होती जाएगी हो। अब वो तो इंसल्ट करके चले गए वो हमें कुछ बोल के चले गए लेकिन नुकसान किसका हो रहा है मेरी अपनी प्योरिटी का मेरी अपनी पावर का तो इसीलिए बात को समझ के अपने आप को समझा के चेंज कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए वी आर अलाउड कि हम नेगेटिव सोचते रहे कोई भी बात नहीं है क्योंकि हर बात का एक आंसर होगा हर बात का सल्यूशन होगा तो अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हो दूसरा खजाना कौन सा दिया है याद और योग का पहला खजाना ज्ञान का दूसरा खजाना योग का ज्ञान से नॉलेज मिलेगी योग से मेडिटेशन से शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हो यहाँ पर योग मतलब कनेक्शन विद गॉड भी है क्या योग मतलब कनेक्शन विद गॉड ओनली योग मतलब होता है कनेक्शन किसी का भी किसी के साथ भी कनेक्शन हो इवन आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन हो तो हम कहेंगे इनका इनके साथ योग है तो योग जब परमात्मा के साथ जुड़े जिसको हम राजयोग कहते हैं तो जैसे ही कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ेगा तो बाबा ने कहा फिर शक्तियाँ ज्ञान मिला लेकिन ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर चाहिए आज बहुत सारे भाई बहनें हैं जो टीवी पर प्रोग्राम देख रहे हैं एक साल से दो साल से कोई और भी उससे भी ज़्यादा साल से देख रहे हैं अभी ज्ञान बहुत मिला लेकिन कहते फिर भी जब करने जाते हैं प्रैक्टिकल में कभी कभी हो जाता है कभी कभी नहीं होता क्योंकि ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की पावर तो उसके लिए अगर हम फिर नेक्स्ट स्टेज सेंटर पर आते हैं मेडिटेशन सीखते हैं और फिर सेंटर के वातावरण को यूज़ करके मेडिटेशन करते भी हैं तो पावर भी मिली फिर ज्ञान मिला पावर मिली तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है तो आत्मा को पावर क्योंकि आप देखो सारा दिन जो हम आत्माओं से मिल रहे हैं वो हमारी पावर को डिप्लीट करते हैं हम भी खुद कर रहे हैं उनसे मिल मिल के आपने जैसे पहले कहा उनकी एंटेंगलमेंट उनकी एनर्जी में जाके उनके बारे में सोच के गलत सोच के अगर हम थोड़ी देर के लिए भी परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं थोड़ी देर के लिए उससे उलझ जाएं क्योंकि जब उससे उलझेंगे मतलब उसका चिंतन करेंगे उससे कनेक्ट होंगे तो पावर क्या होगी बढ़ते जाएंगे इसीलिए रोज थोड़ी देर भी दस पंद्रह मिनट भी पावरफुल कनेक्शन विद द सुप्रीम बींग तो परमात्मा ने कहा शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं जीवन में जो भी विघ्न आएगा ऑब्स्टिकल आएगा प्रॉब्लम आएगी उसको क्रॉस करते हैं तीसरा खजाना है धारणा का जिससे सब गुणों की प्राप्ति होती जाती है परमात्मा कहता है यहाँ की पढ़ाई के चार सब्जेक्ट्स हैं ज्ञान पहले लेना फिर योग करना जब ज्ञान और योग किया तो तीसरा सब्जेक्ट है धारणा धारणा मतलब आपके जीवन में वो ज्ञान धारण हुआ तो जितना ज्ञान धारण होता जाएगा प्रैक्टिकल यूज किया तो जितना धारणा होती जाएगी सर्व गुणों की प्राप्ति होती जाएगी चौथा खजाना सेवा का सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं तो खुशी प्राप्त होती है ध्यान <laughs> गोल्फ चला गया। हाँ। पहले कैसे ट्रेन करता है टीचर हाँ। एक जगह खड़ा करके प्रैक्टिस रेंज में उसके बाद बोलते है अब फील्ड में जाओ राइट जाके खेलो तो जो रेंज है वो कौन सी है सुबह जब बैठे सुबह जब बैठे वो एक घंटा अगर अपने लिए टाइम निकाला अपनी प्रैक्टिस अपनी पावर अपने पे फोकस आज जैसे आप कह रहे हैं ना अपना स्विंग तो देख ले सारा ठीक है हमारी सोच सारी ठीक है पर बाकी सब सबकी हमारे लिए क्या सोच हो वो सेकेंडरी हमारी सबके लिए कैसी सोच है फिर बाद में बोलते अब सबके साथ खेलो अब फिर बाकी जैसे खेल रहे हैं तो यू नो हाउ टू प्ले विद एवरीबडी हाँ फिर उसकी स्विंग पे भी ध्यान नहीं देना ध्यान नहीं देना अपनी स्विंग अपनी ही खेलनी पड़ेगी उसकी कॉपी करने जाओगे फिर गड़बड़ हो अच्छा, जाएगी। अच्छा सामने वाले की स्विंग पे कौन ध्यान नहीं देगा जिसका अपनी स्विंग पर विश्वास नहीं तो वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा ना दूसरे की स्विंग से बहुत जल्द कई बार अच्छा खेलते खेलते उसके स्विंग को देख आदमी कॉपी करने जाता है अपना भी भूल जाता है खुद भी हार जाता है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड हो गया दूसरे की स्विंग से एक्टिंग में भी आप देखो एक अच्छा एक्टर वो जो अपने को स्टार की एक्टिंग से डिस्टर्ब ना हो जाए, सही बात, फोकस, कॉपी भी ना करें कॉपी भी ना करे लेकिन इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि आपने आज ठीक से परफॉर्म नहीं किया इसलिए आपके सामने मैं भी नहीं परफॉर्म कर पाया नहीं आपने नहीं भी किया तो भी मेरा अटेंशन किस पर होना चाहिए अपने ऊपर लेकिन सबके साथ रहते हुए टू रिमेन अन वो कर पाएगा जो खुद अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करके आए हैं तो इसीलिए अपने आप को ये कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है सुबह मेरे पास टाइम नहीं है अपने लिए इज लाइक गोइंग इन टू द रेंज विदाउट प्रैक्टिसिंग हम तो स्टेज पे सिस्टर दूसरा आदमी कभी अपनी लाइन भूल भी जाता था, था। हुँ। तो हम बोल देते थे मतलब जीवन में भी सारा दिन क्या करना है दूसरा अपनी ओरिजिनलिटी भूल भी गया है वो अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत दूर जा रहा है आप प्रॉम्प्ट कीजिए उसको करके अपने प्ले को आगे बढ़ाने के बदले में हम ऐसी वाइब्रेशन दे कि उसको भी क्यों मिले कि मुझे अपना रोल कैसा प्ले करना है इससे कितनी दुआएं मिलेगी कि अगला बंदा नेक्स्ट टाइम आपके लिए भी करेगा बिल्कुल ऑटोमेटिकली तो फिर एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट की होने की बजाय कोऑपरेशन की हो जाएगी ना एक दूसरे के कितनी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रही है देखिए बात करते करते सारी मुरलियां प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है नहीं, मैं समझ रहा था सिर्फ यू नो फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी सारा ज्ञान जो सब हम अवेकनिंग पे शेयर करते आए हैं इतने सालों से तो वो मुरली से ही आता है ना और कहाँ से आएगा और मुरली से ले, लेना फिर उसको अपनी लाइफ में यूज़ करना वो हर एक अपना अपने तरह से यूज़ करेगा अपनी सिचुएशंस के अनुसार लेकिन ज्ञान में सारे सल्यूशन्स है उसके तो चौथा सब्जेक्ट है सेवा सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलते हैं अब सेवा सब्जेक्ट क्यों है कि सेवा मतलब सेवा मतलब होता है देना ना जैसे कोई कहे हमने सेवा से, सेल्फलेस ही होती है सेल्फलेस होती है मतलब देना लेकिन अब देना मतलब भी क्या देना तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी वाइब्रेशन देना रिस्पेक्ट देना किसी को प्यार देना ये सेवा है सम्मान। कोई उदास है आपने उससे मीठा बोलना उसने आपकी इंसल्ट की आप जाके उससे मीठा बोलो आपने सेवा कर दी उसकी वो नाराज बैठा है आप शांत हो जाओ आपने सेवा कर दी उसकी अभी हम क्या कहते हैं सेवा मतलब ये दान किया वो किया वहां सेवा सेवा स्थूल सेवा तो ईजी है करनी स्थूल सेवा तो हम करते भी हैं सारे प्यार से करते हैं लेकिन वो ईजी है हायर एक स्टेप और हायर सेवा कि जिस चीज़ की सबको जरूरत है अभी आप देखो दिन आते हैं गर्मियों के कुछ लोग रास्ते में वो स्टॉल लगाते हैं सबको ठंडा पानी पिलाते हैं कहते सेवा है ना कितनी गर्मी है तो ठंडा पानी पिलाते हैं मतलब क्या जिस चीज़ की सबको जरूरत है चिड़िया के लिए भी तो हैं। आप चिड़िया के लिए भी रखेंगे तो सेवा है कि जिस चीज की जिसको ज़रूरत है उसको वो देना है ये सेवा है तो सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ की है सबको हमारे आसपास तो जब हम सबको शांति सुख प्यार देंगे तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेवा है और इसीलिए परमात्मा ने कहा सेवा करेंगे तो उस सेवा से दुआएं मिलती हैं और वो दुआओं से खुशी प्राप्त होती है तो कितने इंटरकनेक्टेड चारों सब्जेक्ट्स हैं ज्ञान मिला ज्ञान मिल गया योग किया मेडिटेशन किया पावर मिले ये दो चीज़ें कि ज्ञान को प्रैक्टिकल धारणा में लाए तीसरा सब्जेक्ट कि उन गुणों को प्रैक्टिकल लाइफ में लाए जैसे ही उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लाए सेवा अपने आप अप हो गई hmm. क्योंकि जितना गुण हमारे धारणा में आते जाएंगे हमारा औरों के प्रति सोच और व्यवहार बदल जाएगा सेवा ऑटोमेटिकली हो गई सेवा हो गई तो दुआएं मिलेंगी खुशी प्राप्त हो जाएगी ये चार चीज़ें हमें हर एक को अपने चेक करना है चाहे हम कुछ भी रोज सुबह पढ़ते हैं चाहे हम पूजा करते हैं प्रार्थना करते हैं पाठ करते हैं जो भी पढ़ते हैं हमें करना क्या है उससे पढ़ना है ज्ञान को लेना है परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है फिर सारा दिन में उस ज्ञान को यूज़ करना, धारण करना है और ये देखना है कि मेरी धारणा से औरों की कितनी सेवा हो रही है और अगर वो सेवा हो रही है तो मेरा खुशी का इंडेक्स बढ़ते जाना चाहिए ऐसा नहीं कि वो एक अलग डिपार्टमेंट है फिर प्रैक्टिकल लाइफ तो अलग इसीलिए हम सेंटर पर क्यों जाते हैं सुबह कि पूरा दिन जैसे आपने कहा ना प्रैक्टिस रेंज में पहले एक बार चले कितने बड़े प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के मैच से पहले प्रैक्टिस रेंज में फिर, जा, फिर आज भी जाते हैं, ये नहीं हैं। कि हमने सीख लिया था जाता है सुबह रियाज करते हैं रियाज करते हैं वो तो मतलब वो तो जरूरी है ये तो, क्या गया तो हो गया तो हरेक आत्मा को भी अब क्या करना चाहिए कि सारा दिन जो आपने करना है विच मीन्स सारा दिन में जो आपने रिश्ते निभाने हैं सारा दिन में आपने जो प्रोफेशन में जाना है सारा दिन में आपने जो काम करना है उस सब का रियाज सुबह नहीं कर लेना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। एंड रियाज मेरी हर सोच आज कैसी होगी सारा दिन मेरे संस्कार कौन से हैं जो सारे रिश्तों में मुझे तंग कर रहे हैं मुझे कैसे उस संस्कार को चेंज करना है ये रियाज सुबह नहीं होने चाहिए एक्चुअली अगर मुर्ली फॉलो करो तो चेंज खुद ही हो जाएगा उसके लिए सिर्फ क्या करना है रोज मुरली सुननी है जैसे आपने कहा ना एक ही मुरली में कितनी सारी पॉइंट्स आ गई है अब हमने क्या करना है रोज सुबह सिर्फ हम सेंटर पे जाते हैं मुरली सुनते हैं।, हैं एक पॉइंट उठाते हैं एक पॉइंट को उठा के सारा दिन में उस पर फोकस्ड रहते हैं एक एक पॉइंट भी उठाते जाएंगे आप देखो जब हम शिव के मंदिर में जाते हैं ऊपर जो जल है वो टप 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 गिरता है ना शिवलिंग के ऊपर उसका मीनिंग ही वही है कि ज्ञान ऐसे नहीं चाहिए पूरा सारा एक एक बूंद चाहिए बूंद 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 परमात्मा ज्ञान देगा हमें वो बूंद 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 भी आत्मा पे पड़ती जाए प्योरिफिकेशन होता जाएगा लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप ज्ञान लेना तो पड़ेगा ना जाके लेकिन जिस आत्मा ने वहाँ अपने आप को कहा मेरे पास टाइम नहीं है तो विच मीन्स आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस आई विल ओनली गो एंड परफॉर्म

जो हमारी ओरिजिनलिटी है वो वापस लानी है तो थोड़ा सा टाइम आधा पौना घंटा इज नॉट मच इट्स देयर इज लॉट ऑफ टाइम एंड आधा पौना घंटा जब सुबह निकालते हैं ना सारा दिन में कितना टाइम बचता है जब लोगों से उलझेंगे नहीं जब अपने ही थॉट्स से परेशान नहीं होंगे जब डिसीशन क्लैरिटी से फटाफट ले लेंगे जब सारा दिन में लाइट फील करेंगे काम फटाफट होते जाएंगे टेंशन नहीं होगा गुस्सा नहीं आएगा पूरे दिन में टाइम तो बच जाने वाला है ये सुबह का एक घंटा निकाला पूरे दिन में टाइम बच जाएगा और रात को नींद बहुत अच्छी आएगी फिर नींद कम घंटे की जरूरत पड़ेगी सही बात टाइम तो ओवरऑल बच जाएगा कुछ महीने में हमें दिखाई देगा कि एक घंटा निकालना इज एक्चुअली सारा दिन में टाइम कमाना वी अर्न टाइम वी अर्न टाइम बिकॉज लाइफ चेंजेस कम्प्लीटली लाइटनेस आ जाती है ना ऑफिस में भी कोई डिसीजन लेने में पहले बंदा दो दो घंटे डिस्कशन कर Meeting रहा है लड़ दे तेरा नहीं मेरा नहीं ईगो क्लैश ये क्लैश पांच मिनट में हो जाते तो आपका कितना बज गया yes. बट तो बहुत टाइम बचेगा ये तो किसी को भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है वी ऑलवेज फाइंड कि अभी तो और टाइम है अभी और क्या करना है बताओ टाइम देयर इज मोर टाइम ना एनर्जी भी बढ़ जाती है है टाइम कम कम थक तक ना इसीलिए और रात को नींद अच्छी आती है आज हम सो रहे हैं बहुत घंटे मन नहीं सो रहा है द क्वालिटी नींद अच्छी आएगी नंबर ऑफ आवर्स वन मन कम सोता भी हो ही नहीं है रात को आज मन सोता नहीं है क्योंकि जिसका मन बहुत फास्ट चलेगा सारा दिन वो सुबह रात को भी फास्ट चलेगा तो वो सुबह थका हुआ उठेगा जो सुबह थका हुआ उठेगा तो वो थकी हुई हालत में ही अपने आप को क्या करेगा ड्रैग करेगा पूरा दिन पूरा दिन ड्रैग करेगा तो फिर कैसा तो दिन बीतेगा क्योंकि रात को शरीर सोया ना मन नहीं सोता तो ये चार खजाने हमें परमात्मा से मिलते ज्ञान योग धारणा सेवा और आज परमात्मा ने कहा अगर ज्ञान की एक पॉइंट पे ये याद रहे मैं ओरिजिनली प्योर प्योर आत्मा हूँ ये मेरा आदि अनादि स्वरूप है ये रियलिटी है परमात्मा कहते हैं ये रियलिटी है इसको स्वीकार करो तो वो पवित्रता आपकी रॉयल्टी क्या आप स्वमान में रहेंगे सबको सम्मान देंगे और आपकी पर्सनैलिटी सदा संतुष्ट और प्रसन्नचित रहेगी और पवित्रता हमारे चेहरे चलन और चाल में दिखाई देते दे हैं। तो आज प्रैक्टिस करेंगे हम पूरा दिन आई एम अ ब्यूटिफुल प्योर सोल थैंक यू सो मच ओ शांति नमस्कार